ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि अगर आपके दिए में फूल बनता है और फूल में श्री कृष्ण की आकृति बनती है तो इसका क्या संकेत होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज जानेंगे कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है और फूल में श्री कृष्ण की आकृति बनती है तो इसका क्या संकेत होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके दीपक में फूल बनता है तो कभी कभी उसमें गुलाब की पंखुड़ी जैसी बनती है, कभी हृदय का आकार बनता है, तो कभी गणेश जैसी आकृति बन जाती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा गुलाब ही खिल गया हो, कभी कभी कमल जैसी भी आकृति बनती है उसमें। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके दीपक में ओम की आकृति भी बनती है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके दीपक में पूरा फूल बनता है या दो तीन पंखुड़ियाँ बनती हैं फूल की। तो इस तरह से फूल बनना दीपक में एक शुभ संकेत होता है, भगवान के द्वारा आपकी पूजा स्वीकार किए जाने का संकेत होता है, भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं। और कभी कभी तो आपका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि भगवान स्वयं आपकी पूजा देख रहे होते हैं, स्वयं आपकी पूजा स्वीकार कर रहे होते हैं। भगवान और जितनी भी परालौकिक शक्तियाँ होती हैं ये सब अपने नियमों में बंधी होती हैं। जैसे आप उनकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं या उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो अपने नियमों से निकलकर आपकी मदद करने के लिए, आपकी पूजा देखने के लिए विवश हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में आप अगर उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं तो वो अवश्य ही आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार करते हैं, देखते हैं और आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार करके उसका फल भी आपको देते हैं। वो फल किसी न किसी रूप में आपको संकेत के रूप में ज़रूर दिखेगा। कभी कोई आकृति बनेगी, कभी आपको शुभ संकेत हो, कभी आपके सामने जो प्रतिमा रखी है या फोटो रखी है भगवान की वो मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेगी, या दीपक में कोई बहुत सुंदर सा फूल बन जाएगा जो बुझने के बाद भी बना रहेगा। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनके दीपक में फूल बनता है और बाद में फूल टूट जाता है या फूल गायब हो जाता है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दीपक में फूल बनता है फिर टूटता रहता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दीपक में फूल बनता है अंत तक बना ही रहता है, बुझने के बाद भी वो फूल बना रहता है। इस फूल का क्या करना चाहिए इसके लिए एक वीडियो हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आज जानेंगे कि अगर श्री कृष्ण की आकृति बनती है उसमें तो इसका क्या संकेत होता है। इसका सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि आपका मन, आपका हृदय बहुत ही ज़्यादा नम्रता से भरा हुआ है, आपके हृदय में बहुत दया है और आपके हृदय में सभी के लिए बहुत प्रेम है। इसका यह भी संकेत होता है कि आपके जो भी रिलेशन हैं या आपके जो भी आपसी संबंध हैं, जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप माता पिता के साथ में रहते हैं या जिनके साथ में भी आप रह रहे हैं, जो भी आपके संबंधी हैं या जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में बहुत मधुर संबंध होता है तब इस तरह का आकृति बनती है, या मधुर संबंध और होने वाला है या और होता ही जाएगा, आपसी प्रेम बहुत बढ़ेगा इसका संकेत होता है। और इसका एक संकेत यह भी होता है कि आपने जो भविष्य के लिए कुछ सोच रखा है, आपने जैसे आगे आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपने सोचा है कि जैसे मैं कोई जॉब करूंगा या कहीं जाना चाहता हूं या कुछ कोई कोर्स करना चाहता हूं या कुछ और करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सकारात्मक संदेश है ये आपके लिए, एक सकारात्मक निशान समझ लीजिए, सकारात्मक रास्ता, एक फल समझ लीजिए, संकेत समझ लीजिए। इसका यह भी संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि आपके जीवन में कोई मार्गदर्शक बन के आएगा या आपके जीवन में कुछ इस तरह से मार्गदर्शन होगा, जैसे बहुत सारी समस्याएं जीवन में रहती हैं, कभी कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें अपने भविष्य के लिए क्या करना चाहिए या हम अपने भविष्य में क्या करें, कोई ज़मीन खरीदें या ना खरीदें, परिवार के लिए कुछ करना हो या बच्चों के लिए कोई निर्णय लेना हो या कुछ और निर्णय लेने हो या अपनी नौकरी में कुछ चल रहा हो वहाँ निर्णय लेना हो, तो आप
आपको कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से मिले या प्रत्यक्ष रूप से मिले, ये इसका संकेत होता है। और उस मार्गदर्शन से आपकी जो भी विपदाएँ होंगी, जो भी परेशानियाँ होंगी, जो भी समस्याएँ होंगी, उन सबका निराकरण होगा। और कहीं ना कहीं से आपके साथ में प्रभु स्वयं हैं, आप इस बात का भी बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए। इस तरह का फूल बन जाना आपका स्तर इतना ऊँचा हो गया है कि आप भगवान और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं स्थापित हो गया है, मतलब वो आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनका निराकरण भी कर रहे हैं। आपका जो भी मतलब आपके जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनका निराकरण करते हैं और आपको उन परेशानियों और विपदाओं से निकालते भी हैं। तो आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ या अपने इष्टदेव का नाम अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।